बारिश की तबाही अब राजधानी शिमला में पहुंच गई है। शिमला में पिछले दो दिनों से रुक रुक हो रही बारिश ने अब अपना विराट रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप शिमला के उपनगर दुदली की देख रहे हैं, जहां आज तड़के हुए एक लैंडस्लाइड के कारण तीन गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई हैं और उनका भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इसमें लगभग 4-5 गाड़ियां चपेट में आई है, इसमें मेरी गाड़ी भी थी। और ये हादसा लगभग 5:45 के आसपास का सुबह का, इसमें सारा पहाड़ ऊपर से धर का है और कम से कम 15-20 पेड़ आए इसकी चपेट में। आपने गाड़ी नुकसान तो मुझे लगता है 4-8 हज़ार का नुकसान हो गया, इतना तो है। पिछली साइड इसकी पूरी डैमेज है। उधर हिमलैंड होटल के पास सुबह ही हुए एक बड़े लैंडस्लाइड में भी कुछ घर खतरे की जद में आ गए हैं, जिन्हें खाली करवाया गया है और वहां भी रास्ता बंद है। ऐसी ही तस्वीरें शहर के दूसरे कोनों से भी आ रही हैं, चाहे वो कुसुमटी हो, चाहे वो खलीनी हो। खलीनी में वन विभाग के दफ्तर मिस चैम्बर के पास लहासा गिर जाने से मार्ग अवरुद्ध है। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं दुदली से हूँ। ये जो लैंडस्लाइड हुआ है ये अपर दुदली में हुआ है और आप देख सकते हो इसमें तीन गाड़ियाँ जो है चपेट में आ चुकी है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। और प्राकृतिक के तकरीबन 10 पेड़ जो है इसकी लपेट में आ चुके हैं। आप देख सकते हो, अपना कैमरा घुमा सकते हो। ये सर तकरीबन पहले तो फर्स्ट 2 टाइम हुआ है। पहले तो ये रात को आया था कुछ, उसके बाद सुबह के टाइम 5 बजे के बाद ये प्रॉपर रोड के ऊपर आ चुका है। और जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ और तीन गाड़ी को बुरी तरह वो अपनी चपेट में ले चुका है। यानी बारिश भीतरी हिस्सों में ही नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि राजधानी में भी इसने पूरा तांडव किया है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कहीं भी, जहां भी आप विजुअल देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के, कहीं से भी आपको राहत के लिए प्रशासन अगर कहीं लगा हुआ है तो वो दिख नहीं रहा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही घर बैठा हुआ है, लेकिन जितनी मुस्तैदी से उसको दिखना चाहिए उस मुस्तैदी से दिख भी नहीं रहा। तस्वीरें आप राजधानी शिमला की देख रहे हैं, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहां कैथू में लैंडस्लाइड हुआ है, पुलिस लाइन के ऊपर मैं एक पेड़ गिर गया था भवन के ऊपर, विधानसभा स्पीकर के घर के ऊपर पेड़ गिर गया है। इसके अलावा तीन गाड़ियाँ जैसे मैंने आपको बताया दुधली में दब गई हैं, मिस चैम्बर के पास लैंडस्लाइड हुआ है, हिमलैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ है, बाकी रास्ते भी जो है बाधित हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। पानी की सप्लाई पर भी इसका असर जो है माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पड़ सकता है।